नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। सबको पता होना चाहिए जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सक्शन करते हैं, सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, सक्शनिंग की स्पेलिंग पता है ना, SU, ठीक है, TI, सक्शनिंग। सबसे पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। ठीक है, सक्शन क्यों करते हैं हम बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सक्शनिंग हम बच्चे की एयरवे को क्लियर करने के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, एयरवे को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए हम दो टाइप से सक्शनिंग करते हैं। दो टाइप से कैसे करते हैं, हम ओरल से भी सक्शन करते हैं बच्चे को और हम नेजल से भी सक्शन करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि हम पहले सक्शन ओरल से करेंगे या देन हम सक्शन नेजल से करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, सबसे पहले जो फर्स्ट है वो हमें ओरल से करना है, देन सेकंड हमें कहाँ से करना है, नेजल कैविटी से करना है। पता चल गया ना, सक्शन हमें पहले ओरल कैविटी को साफ करना है, बच्चे के अंदर जो फ्लूइड आए हैं उसके बाद हमें उसकी नेजल कैविटी को क्लियर करना है। जब हम सक्शन कर रहे हैं तो सक्शन का प्रेशर देखना है। ठीक है, सक्शन का प्रेशर देखेंगे हम, टर्म बेबी के अंदर कितना होगा, जो प्री टर्म बेबी है उसके अंदर कितना होगा, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। जो टर्म बेबी है उसके अंदर हम 60-80 mm Hg प्रेशर यूज करेंगे, एंड देन जो प्री टर्म बेबी होता है उसके अंदर हम कितना लेंगे, कम लेंगे, कम कितना लेंगे, 40-60 mm Hg लेंगे। अगर मान लो किसी अडल्ट पर्सन को हम सक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, अगर हम अडल्ट पर्सन को सक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम 100-120 mm Hg क्या करेंगे, सक्शन प्रेशर का यूज करेंगे। अगर हम किसी ओल्डर चिल्ड्रन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ओल्डर चिल्ड्रन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें हम 80-100 mm Hg यूज करेंगे। जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, तो इनमें से आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस में आएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में भी आएंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर 101% सक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये भी आता है कि सक्शन पहले आप नोज से करोगे या ओरल से करोगे, सभी अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सोचते पहले तो नाक को क्लियर करेंगे। नहीं, पहले हमें ओरल कैविटी को क्लियर करना है, देन हमें नेजल कैविटी को क्लियर करना है। ठीक है, टाइम पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, टाइम पे क्वेश्चन आता है कि जो सक्शनिंग है उसका टाइम कितना होना चाहिए, उसका टाइम होना चाहिए 5-10 सेकंड के लिए होना चाहिए। अगर 5-10 सेकंड से ज्यादा होता है, ठीक है, प्रलोंग्ड सक्शनिंग क्या कोज कर सकती है, हाइपोक्सिया कोज कर सकती है। ठीक है, अच्छे से बता देती हूँ आपको। ठीक है, टाइम कितना होना चाहिए, 5-10 सेकंड। और जो प्रलोंग्ड सक्शनिंग होती है, लंबे टाइम तक सक्शन करना, ठीक है, तो वो क्या कोज कर सकती है, हाइपोक्सिया कोज कर सकती है। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको टाइम कितना लगता है, ठीक है, और लंबे टाइम तक सक्शनिंग करने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इनिशियल असेसमेंट की, इनिशियल असेसमेंट में कोई दिक्कत है तो हमने एज ए नर्स क्या किया, उसको इंटरवेंशन दी, उसको हमने ट्रीटमेंट दिया। देन हमारा सेकंड काम क्या होता है, बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हमें क्या करना है, कट करना है। ठीक है, तो वो भी सिखा देते हैं कि अगर आपको बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है तो आप कैसे कट करेंगे।